पार्ट में, प्योर पार्ट में उसको पांच बार फिल करते हैं तो एक पीस फिनिश होता है, मतलब कि पांच स्टेप तय करें, पांच प्रोसेस। सबसे पहले प्रिंट होता है येलो कलर, ये हल्दी है, हल्दी चेंज होती है रेड कलर, सूखने के बाद वो होता है साबुन से। अच्छा, जैसे बॉइल वाटर होता है उसमें नींबू, नमक, ऑयल और बेर की पत्ती, लेमन ऑयल, सॉल्ट और बेरी लीव्स, ये चार पीस पानी में मिक्स करता है और गर्म करता है और ये पीस पानी में डिप करता है तो येलो कलर टर्न हो जाएगा रेड कलर। ओके, फिर थर्ड प्रोसेस में ये टब है, इसमें मड, गम, सोप, क्ले और कुकिंग ऑयल, इसके अंदर पांच चीज मिक्स होती है। फिर रेड के ऊपर इसको प्रिंट कर देते हैं, मतलब कि रेड ऊपर देते हैं कवर मड से, फिर इसको ड्राई करते हैं, फिर इसको इंडिगो में डिप करते हैं, इंडिगो बोले तो ब्लू कलर, तो पूरा प्रिंटेड पीस इंडिगो में डुबो देते हैं, डिप कर देते हैं। अब जहाँ पे मड होता है वहाँ पे रेड का प्रोटेक्शन हो जाएगा, मतलब कि रेड के ऊपर ब्लू कलर नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, और पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा। फिर इसको ड्राई करते हैं और वॉश करते हैं, तो मड निकल जाएगा और रेड कलर वापस आएगा, पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। वो कलर फास्ट कलर है, वॉशिंग मशीन में कलर नहीं जाता, वेजिटेबल धोने के बाद कलर रेड नहीं आता, रेड कलर मतलब नेचुरल कलर होता है, वो कभी कलर जाता ही नहीं, कपड़ा फट जाता है कलर नहीं जाता, वेजिटेबल खासियत होती है। और रास्ता में जो होता है पटेल, जो कि फार्मर कम्युनिटी होती है, वो लेडीज के लिए इस टाइप के स्कर्ट बनते हैं घाघरे के लिए, और जो होते हैं बिश्नोई कम्युनिटी, वो लेडीज इस टाइप के ड्रेस यूज करती है बिश्नोई। मैंने बताया था रास्ते में देखा था आपने, सर्कल आलू सर। जो होते हैं शेपर्ड कम्युनिटी, दो लेडीज यूज लाइक दिस पैंट्स। ओके, सो इट इज द ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, या द अकॉर्डिंग द कास्ट ऑफ दिस। ओके ओके, जस्ट लाइक स्कूल यूनिफॉर्म, हां स्कूल यूनिफॉर्म, जस्ट लाइक द कास्ट। मतलब कपड़े में फर्क है या प्रिंट में फर्क है? प्रिंट में, प्रिंट में फर्क है, कपड़ा तो कॉटन ही होता है लेकिन प्रिंट में फर्क होता है। तीन लेडीज जा रही है, हम कह सकते हैं वो कौन सी कास्ट की। ओह अच्छा, इंट्रोडक्शन बाय द ड्रेसेस। ओके ओके, और इस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं वुडन, और ब्लॉक्स मेड बाय कारपेंटर, डिजाइन बाय कारपेंटर, कारपेंटर हम डिजाइन वो ब्लॉक्स बनाते हैं। और अब आपको थोड़ा पीछे बैठना पड़ेगा, मैं थोड़ा फिनिश प्रोडक्ट दिखाएंगे, ठीक है? दिस इज द कास्ट, या सो प्लीज अलग गांव में डिफरेंट, तो लोग वहां जाते नहीं है और हम यहाँ बैठे होते हैं कि हमारा काम लोग देख सकते। ये है डबल बेड में प्योर कॉटन फास्ट कलर, वॉशिबल है, वॉशिंग मशीन में कलर नहीं जाता, कलर की गारंटी। अभी धुआं को छोड़ डाल, ये सिंगल बेड है, डाइनिंग टेबल है, वॉल है, इंडिगो कलर जो है, कौन सी पत्ता है? इंडिगो प्लांट इंडोनेशिया में बनता है, इंडोनेशिया में होता है, ये अहमदाबाद होता है लेकिन बहुत कम होता है, मैक्सिमम इंडोनेशिया में होता है, इसलिए नाम पड़ गया इंडोनेशिया इंडिगो के हिसाब से। पत्ता है, पत्ता से निकलता है, हाँ ऐसे दूध निकलता है ना उस हिसाब से प्लांट होता है। टेबल क्लॉथ है, सिंगल बेड वगैरह, ये डबल बेड में विद पिलो कवर्स, विद पिलो कवर्स। आप जो हिरन देखे ना डियर सैटी लॉस, ये वाले एक्चुअली दिस डिजाइन बिलोंग टू बिश्नोई कास्ट बिकॉज इट प्रोटेक्टिंग ट्री एंड एनिमल्स। इसमें जो जो कलर है वो सब दिखा रहे हैं, यही प्रिंट है, इसमें पांच पांच छह तरह कलर्स हैं, पिलो कवर्स वाले सारे। ये डिजाइन उसको बोलते हैं बाली का वजू डिजाइन, अभी जो आ रहा है ना सीन आता है बाली का वजू आनंदी गांधी, उसमें इस टाइप की डिजाइन यूज होती है, एक पीस बनता है 12 दिन में, 12 डेज वर्किंग, बिकॉज मल्टी कलर बहुत थ्रेड वर्किंग। I like this. 12 days. 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 12 days.
12 इन दे विल रिक्वायर 12 इन अच्छा ये इसमें वॉश किया हुआ है हां सब पूरा हुआ तभी तो मैम बाद में लगता है नहीं तो हां हां अच्छा ये स्टिच कर और भी काफी सारी डिजाइन है मेरे पास।